नमस्कार दोस्तों, सब लोग को जिंद दोस्तों, वेलकम टू अमित ब्लॉग स्टर में आप सभी लोग को स्वागत है। मेरे तरफ से आप सभी को जोहार। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग बात करेंगे दोस्तों झारखंड उत्पाद सिपाही में टोटल जो इस बार वैकेंसी निकल गया 583 टोटल वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें आप लोग फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। और ये जो फॉर्म है दोस्तों, यूपी एमपी बिहार के लोग ये फॉर्म को फिलअप किए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जो भी झारखंड से बिलोंग करते हैं, ओबीसी एसटी कैटेगरी से, सब लोग ये फॉर्म को फिलअप किए। और आप लोग बेसब्री से इंतजार करो कि भाई इसका आखिर रनिंग का डेट कब आएगा, इसका हेयरिंग कब पूरा कम्प्लीट होगा, कब इसका फाइनल डिसीजन आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरी तरह से आपको डिसीजन, उस दिन आप लोग का जो सुनवाई हुआ था उसमें आप लोग का अपडेट नहीं किया गया था कि उत्पाद सिपाही का कब आप लोग का नेक्स्ट हेयरिंग डेट आया, या कुछ भी अपडेट नहीं किया गया था। लेकिन दोस्तों, अब आप लोग का एक अपडेट दे दिया गया दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोग के लिए गुड न्यूज है दोस्तों। जो भी कैंडिडेट झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हो या तैयारी करना चाह रहे हो दोस्तों, और मार्केट में बेस्ट बुक ढूंढ रहे हो, ऐसे तो मार्केट में आपको बहुत सारा पब्लिकेशन का बुक देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 2024 में वर्दी लेना है तो दोस्तों, तक्षु प्रकाशन की तरफ से एक बुक आई है जिसमें अपना तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस बुक का हम लोग खासियत के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आप ये बुक को परचेज करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो बुक है दोस्तों, लेटेस्ट जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आप लोग बनाया गया, पेपर वन और पेपर टू के दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों। इस बुक में आपको सबसे पहले कि आपको 100% गारंटेड है कि इस बुक से आपको सफलता प्राप्त होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको 2450 आपको बहुविकल्प प्रश्न भी देखने को मिल जाएगा, समझ सकते हो। तो दोस्तों, ये बुक आप लोग परचेस कर लीजिएगा। ये जो बुक है दोस्तों, आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट में देखने को मिल जाएगा, नहीं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वहां से जाके आप लोग परचेस कर सकते हो। और इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये बुक को आप लोग परचेस कर लीजिएगा दोस्तों, और देख लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग किस तरह से बनाया गया, देख लीजिए इस टाइप से आप लोग का सिलेबस है, किस टाइप से क्वेश्चन का लेवल आएगा, सारा अटैच है दोस्तों। अगर आप ये बुक को पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल मालूम चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल किस टाइप से आने वाला है। कॉम्बो पैक मिल जाएगा दोस्तों झारखंड पुलिस का, देखिए इसमें आप लोग का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग का। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग का आपको मालूम है कि कोई भी एग्जाम को अगर आपको तैयारी करते हो तो दोस्तों सामान्य विज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों इसमें आप लोग झारखंड का भी कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग ले लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए और भी बहुत सारे आप लोग का एग्जाम, आप लोग का जेपीएससी जेएसएससी ये सारा आप लोग एग्जाम के लिए भी इसमें आप लोग का बेनिफिट होने वाला। और खास करके झारखंड पुलिस के लिए दोस्तों, आप ये बुक को ले लीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। सामान्य विज्ञान ये आप लोग देख लीजिएगा, इसमें आपको 3000 प्लस आप लोग का बहुविकल प्रश्न, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आप लोग देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको 100% गारंटेड है कि इसमें आप लोग को सफलता प्राप्त कीजिएगा। ये कॉम्बो पैक है दोस्तों, तो ये बुक आप लोग परचेस कर लीजिए, ये बुक आप लोग परचेस कीजिए तो ये भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये बुक आप लोग का अमेजोन और फ्लिपकार्ट में देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वहां से जाके आप लोग परचेस कर लीजिएगा। तो इसमें कि एक नेक्स्ट हेयरिंग डेट दिया, उसमें आप लोग देखिए पिछले जो सुनवाई हुआ था दोस्तों, उसमें आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन इस बार आपको पेपर के माध्यम से भी आप लोग को बताया जा रहा कि इस बार जो हेयरिंग होगा इसमें हो सकता है कि पूरी तरह से आप लोग क्लियर हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से दोस्तों उस दिन आप लोग का शामिल नहीं हुआ था, जेएसएससी उस दिन आप लोग पहुंचा था नहीं फिर से दोस्तों, समझ लीजिए। तो इस बार फिर से आप लोग जेएसएससी दोस्तों 6 तारीख को खुद ही वो बोला कि हमको एक नया डेट दीजिए, उसके बाद इस हेयरिंग डेट में आपको जो भी होगा अपडेट होगा, चाहे आप लोग का दो यार जो पहले वाला जो कैंडिडेट केस किया था वो लोग का पक्ष में भी जा सकता है, और जो 2022 वाला फॉर्म भरे हैं वो लोग का भी पक्ष में जा सकता है। उस दिन आप लोग का कब एक नया हेयरिंग डेट दिया गया उस दिन आप लोग का सुनवाई होगा, उसके बाद आपको पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा, ये आपको बताया जा रहा है दोस्तों। लेकिन देखिए, आपको हर बार यही चीज आपको बताया जाता है कि आप लोग का नेक्स्ट हेयरिंग डेट आते रहता, लेकिन आप लोग का सुनवाई पूरी तरह से नहीं हो पाता। लेकिन इस बार जेएसएससी खुद बोला और कोर्ट में भी कुछ बताया गया कि इस बार जो हेयरिंग होगा इसमें आप लोग का पूरी तरह से सुनवाई कर दिया जाएगा, ये आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट हेयरिंग डेट कब है दोस्तों, वो चलिए हम लोग देख लेते हैं, और क्या क्या आप लोग का अपडेट दिया गया उसके बारे में हम लोग बात करें। देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं कि उत्पाद सिपाही का सारा कुछ इसका प्रोसेस हो चुका, 10 चयन परिषद का गठन, मतलब किसका कहाँ पे दौड़ होगा, एनदर स्टेट वाला का दौड़ कब होगा, किस तरह से होगा, नया टेंडर भी इसका जारी हो चुका, मतलब सब कुछ प्रोसेस हो चुका। बस दोस्तों, आप लोग किस कारण से रुका हुआ, जैसे ये केस का मैटर आप लोग का पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा ना, तो सबसे पहले दोस्तों हो सकता है कि अगर आपको क्लियर हो जाता तो दोस्तों झारखंड पुलिस से पहले भी इसका दौड़ का प्रक्रिया हो सकता है, समझ लीजिए इतना प्रोसेस इसका आगे बढ़ चुका, इसका सब कुछ हो चुका, कौन सा कमांडेंट कहाँ पे रनिंग लेंगे सब कुछ आप लोग का डिसाइड हो चुका। लेकिन दोस्तों, इसका किसके कारण से आप लोग का फंसा हुआ, केस का मैटर। देखिए जैसे से खुद बोला कि हम लोग का इधर से जो भी था सारा प्रक्रिया हो चुका, लेकिन ये जो आप लोग का जो भी प्रोसेस है वो पुलिस विभाग को सौंप दिया गया,
लेकिन ये केस का मैटर दोस्तों जो लड़ रहा है वो आप लोग जेएससी लड़ रहा प्लस अमित उड़ा है दोस्तों, उसका बीच में ये केस चल रहा। और जैसे आपको केस अपडेट आप लोग का जैसे सुनवाई हो जाता तो सबसे पहले हो सकता कि इसका रनिंग प्रक्रिया हो जाए दोस्तों। तो चलिए आप लोग का जो फिलहाल आप लोग का जो अपडेट किया गया दोस्तों, एक उस दिन आप लोग कुछ अपडेट में दिख नहीं रहा था, बट वहां पर अभी भी कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन नीचे में दोस्तों जब भी आप वहां पर देखिएगा तो आप लोग का एक नेक्स्ट हेयरिंग डेट दिया गया, वो लोग कब से कब तक, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक नया एक हेयरिंग डेट दिया, उसमें आप लोग क्या बता दिया गया कि 6 मई को दोस्तों फिर से आप लोग का सुनवाई होने वाला। लेकिन दोस्तों मेरे को बार बार ऐसा क्यों लगता है कि फिर से एक नया डेट दे, क्योंकि दोस्तों आप झारखंड में अगर हेयरिंग डेट बार बार आते रहता है, हमको भरोसा नहीं लगता, और आप लोग को भी बिल्कुल भरोसा उठ चुका है कि क्या होगा क्या नहीं। क्यों भाई, झारखंड में ये आप लोग हेयरिंग डेट देख लीजिए कि कितना बार आप लोग का हेयरिंग हुआ है, समझ सकते हो। झारखंड में बिल्कुल कुछ नहीं होता। देखिए आप लोग का हो सकता है कि ये चुना का मुद्दा भी हो सकता है, कि जो भी सरकार खुद ही बताया कि चुना से पहले दोस्तों आप लोग का चुना जैसे ही खत्म होता है उसके बाद आप लोग 30,000 वैकेंसी का आप लोग का देखने को मिलेगा। तो देखिए ये कितना दूर सच होता। और झारखंड सरकार ये भी बताया, जो भी कैंडिडेट दोस्तों आप लोग का झारखंड पुलिस का फॉर्म को भरे हो, आप लोग का जून या जुलाई तक आप लोग रनिंग का प्रक्रिया हो जाएगा। तो देखिए मेरा हिसाब से देखिए आप लोग उत्पाद सिपाही का जो भी तैयारी करो वो झारखंड पुलिस का तैयारी कीजिए, दोनों का तैयारी आप लोग का बना रहेगा। और एक चीज बता रहे कि इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट जो मिलेगा झारखंड पुलिस में, इसमें गर्ल्स को मिलेगा। तो जितना भी भाई बहन लोग आप लोग उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरे उसका आप लोग भूल जाइएगा कि हम लोग ये फॉर्म को भरे थे झारखंड उत्पाद सिपाही। दोस्तों अभी आप लोग जोश के साथ लग जाओ, जून या जुलाई तक आप लोग का 100% है कि आप लोग झारखंड पुलिस का रनिंग का प्रक्रिया आप लोग का होगा। देखिए हम लोग का कोई गलती नहीं है, हम लोग का काम है अपडेट देना, आप लोग का बताना, हर एक चीज आप लोग का बताते हैं, और जो भी अपडेट मिलता है वही अपडेट आप लोग को हम बताते हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं बताते आप लोग का। जैसे कि दोस्तों आप लोग देखते हो बहुत सारा यूट्यूब चैनल पे आप लोग बताया जाता है कि आज आप लोग का झारखंड पुलिस का एडमिट कार्ड आ गया, डेली वो 5 वीडियो 6 वीडियो अपना चैनल पे डाल देते हैं। देखिए मेरे को जो भी अपडेट मिलता है बिल्कुल सही अपडेट आप लोग देते हैं, भले मेरा चैनल पे वीडियो नहीं आता होगा, आप देख लीजिएगा जब जब वीडियो आता है दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन ही वीडियो आप लोग रहता है, तभी आपको बताते हैं, कहीं से आपको कुछ भी आपको प्रूफ दिखाते हैं तभी आपको वीडियो बनाते हैं, बिल्कुल नहीं तो हम वीडियो नहीं बनाते। इसलिए आप लोग बार बार बता रहे कि आप लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेना। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि फिलहाल जो आप लोग का हेयरिंग डेट दिया दोस्तों वो आप लोग का क्या क्या आप लोग बताया गया और कब तक आप लोगों का सुनवाई होगा वो भी आप लोगों का मालूम, चलिए इसमें आप लोग को चल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोग का जो हेयरिंग हुआ झारखंड उत्पाद सिपाही का, दोस्तों कुछ दिन पहले आप लोग अपडेट किया गया था कि झारखंड उत्पाद सिपाही का हेयरिंग होने वाला, तो बिल्कुल उसका हेयरिंग हो चुका। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कुछ अपडेट नहीं किया गया था, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी आप लोग बना दिए थे कि यहाँ पर देख लीजिए कुछ अपडेट नहीं किया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट दिया नीचे तरफ दोस्तों, उसमें आपको बता दिया गया कि नेक्स्ट हेयरिंग डेट दिया गया, उसमें आप लोग का फाइनल डिसीजन होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग कुछ भी अपडेट नहीं किया गया था, इसलिए आप लोग को उस दिन बताए थे कुछ भी आप लोग अपडेट नहीं आया। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो कुछ ना कुछ हेयरिंग यहाँ पर जो भी सुना था यहाँ पर आप लोग का अपडेट आ जाता, लेकिन उस दिन आप लोग का हेयरिंग नहीं हुआ, एक नया डेट दिया गया। देखिए और ये जो केस कौन किसका किसका बीच में आप लोग का चल रहा है वो भी आप लोग देख लीजिए, अमित उड़ा वर्सेस किसका दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ देखिए झारखंड का, उसका बीच में आप लोग का चल रहा। तो इतना तक अभी तक दोस्तों कितना हेयरिंग हुआ वो भी देख लीजिए। झारखंड उत्पाद सिपाही आप लोगों के साथ हर बार जो बताया जाता है कि आप लोग फाइनल डिसीजन होगा, इतना बोल बोल के दोस्तों आप लोग का देख लीजिए कम से कम 2 साल आप लोग को घींच गया, लेकिन आप लोग का अभी तक सुनवाई नहीं हुआ, समझ सकते हो। तो किसी कोई विश्वास भी नहीं कर रहा है ये सरकार के ऊपर कि इस बार भी जो सुनवाई होगा इसमें भी कुछ फाइनल होगा, इसलिए आपको हम बता रहे कि जो आप लोग का फाइनल अभी जो एक है वो झारखंड पुलिस है, वो आप लोग का रनिंग का प्रक्रिया होगा, उसमें ना तो केस का मैटर है ना कुछ भी। और सरकार खुद बताया कि यो जैसे आप लोग का इलेक्शन खत्म होता सबसे पहले उसका रनिंग का प्रक्रिया होगा, उसके बाद आगे का कुछ अपडेट आएगा दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पर देखिए एक नया आप लोग का हेयरिंग डेट दिया गया 10 नंबर पे, देखिएगा इतना आप लोग का हेयरिंग हुआ लेकिन आप लोग को कुछ सुनवाई नहीं हुआ। देखिए 16/4/24 को आप लोग का अपडेट किया गया था कि सुनवाई होने वाला था लेकिन वहां पर नहीं हुआ। नेक्स्ट आप लोग का एक हेयरिंग डेट दिया गया, चलिए आप लोग जैसे नीचे आइएगा, जैसे यहाँ पर आप लोग दिखाते हैं, देखिए 16/5/10/5 1 मिनट, देखिए यहाँ पर आप लोग का नया एक अपडेट दिया गया कि इस डेट पे आप लोग का हेयरिंग होने वाला। देखिए 16/4 को आप लोग का सुनवाई नहीं हुआ, तो इस बार फिर से एक नया आप लोग का हेयरिंग डेट दिया गया 16/5/2024 को आप लोग का एड फिक्स क्लास आपको बताया गया कि इसमें आप लोग का सुनवाई आप लोग का होने वाला। लेकिन किसी को विश्वास नहीं होता है, इतना हेयरिंग डेट हुआ कुछ कोई कुछ होता नहीं, देखिए इतना सारा आप लोग का हेयरिंग हुआ लेकिन इस समय कुछ भी अभी तक सुनवाई नहीं हुआ, समझ सकते हो भाई।
तो ये सरकार को कोई विश्वास नहीं करता। अगर आपको भी कुछ अपडेट भी अगर सही अपडेट भी देंगे तो आपको विश्वास नहीं लगेगा बिल्कुल। देख लीजिए तो देखिए फिर से आप लोग का अभी जो अपडेट आया दोस्तों वो आपको हम बता देते हैं कि देखिए झारखंड उत्पाद सिफाई का फिर से एक अपडेट आ चुका है। ये आप लोग का नेक्स्ट हेडिंग जो आप लोग का है दिया गया, देखिए कि इसमें आपको फिर से बच्चा को बताया गया, देखिए इस पर आप लोग का फाइनल डिसीजन आने का चांस है ये आपको बताया गया। लेकिन देखिए मेरे को नहीं लग रहा कि इसमें फिर से फाइनल होगा, इसलिए आपको देखिए ये सब छोड़िए, ये सब आप लोग दिमाग से हटा दीजिए कि झारखंड एक्साइज कॉन्स्टेबल का कुछ फॉर्म हम भरे थे, ये आप लोग माइंड पे ज्यादा मत लगाइए। जो भी अपडेट आएगा वो आएगा। लेकिन दोस्तों देखिए आप लोग का बताया गया कि 6 तारीख को सुनवाई होगा, फाइनल डिसीजन होगा, देखिए कब तक सही होता। लेकिन दोस्तों एक चीज जान लीजिए कि जून जुलाई तक आप लोग का झारखंड पुलिस का दौड़ का प्रक्रिया आप लोग का 100% है कि हो जाएगा, तो उसका आप जोश के साथ अगर तैयारी कीजिएगा ना तो एक्साइज कॉन्स्टेबल का भी आपका तैयारी बन जाएगा। तो दोस्तों यही चीज आपको बताना था, आपको ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। देखिए कोई भी चीज पाइएगा तो झारखंड है ये, आपको बहुत जगह ठोकर खाना पड़ेगा तब आपको एक वैकेंसी का सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों, आप समझ सकते हो कितना कुछ लड़ना पड़ेगा तब आपको सिलेक्शन मिलेगा भाई। तो देखिए सरकार बताया जा रहा है कि पेपर के माध्यम से कि 30,000 वैकेंसी आने वाला, जैसे झारखंड पुलिस इलेक्शन खत्म होता तो ये कहाँ तक सही होता वो भी देख लेते हैं। तो फिलहाल यही अपडेट है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यही अपडेट है कि फिर से 6/5/2024 को सुनवाई होने वाला, उस दिन जो भी अपडेट आएगा आप लोगों को हम बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सभी को जय हिंद और आप सभी को जोहार।